नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं राकेश शिवानी एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये मेरी एस्ट्रोलॉजिकल सीरीज़ का लेक्चर नंबर 39 का पार्ट टू है। जैसा कि आपको मालूम है कि पार्ट वन में मैंने आपको दशाओं के बारे में बताया था कि दशा में किसी भी ग्रह की विंशोत्तरी दशा जब स्टार्ट होती है तो कैसे रिजल्ट मिलते हैं और किन किन चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। जस्ट टू फ्रेश यू कि थोड़ा सा ये बता दूं कि मैंने उसमें आपको दो चीज़ें बताई थी कि ग्रह जो है रिजल्ट देते हैं दो तरीके से। एक तो रिजल्ट वो देते हैं कि जिन भावों के वो स्वामी हैं उनका रिजल्ट देते हैं। नंबर टू, जो उनकी नेचुरल करेक्टरिस्टिक्स हैं उनका रिजल्ट देते हैं। जैसे गुरु अगर आठवें भाव का स्वामी है, गुरु अगर ग्यारहवें भाव का स्वामी है तो उसको आठवें भाव के स्वामी रिजल्ट करने हैं, ग्यारहवें के रिजल्ट भी करने हैं। यानी वो आठवें के रिजल्ट भी करेगा, ग्यारहवें के रिजल्ट भी करेगा, आपको बीमारी भी दे सकता है, सब कुछ दे सकता है, लेकिन साथ ही साथ आपको पुत्र की प्राप्ति हो सकती है, संतान की प्राप्ति हो सकती है, पुत्र हो या पुत्री हो, उस संतान की प्राप्ति हो सकती है, आप धार्मिक बन सकते हैं, आप तीर्थ यात्राएं कर सकते हैं, क्योंकि गुरु इन चीज़ों का कारक है। तो कहने का मतलब यह है कि ग्रह के रिजल्ट जो हैं दो चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। नंबर वन कि एक तो वो कौन से भावों के स्वामी हैं उनके, और नंबर टू उनके इंडिपेंडेंट कारक क्या हैं, उस पर डिपेंड करता है। अब जैसे बुध है, बुध का इंडिपेंडेंट कारक क्या हुआ, बुध का विवेक हुआ, बुद्धि हुआ, आपका अकाउंट्स हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, आपका वाणी हुआ, आपका स्किन हुआ, ये सब बुद्ध के इंडिपेंडेंट कारकत्व हैं। अगर बुद्ध के पास अच्छे भाव हैं और सब कुछ अच्छा है तो बुद्ध आपकी आपकी आप कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत बढ़िया होगी, सब कुछ आपका बहुत अच्छा होगा। अच्छा, ये तो आपका हुआ कि भावों के हिसाब से। अब उसमें फिर मैंने आपको बताया कि भावों के हिसाब से भी क्या आपको चीज़ देखनी है कि वो स्ट्रांग है या नहीं है, स्ट्रांग है या नहीं, ये भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि आपके पास भाव तो बहुत अच्छे हैं उसके पास। थोड़ा सा आप इससे पीछे वाला लेक्चर ज़रूर देख लीजिएगा ताकि उसमें आपको आइडिया हो जाए। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा ऐसी आइडिया दे रहा हूँ कि आप गुरु के पास, किसी प्लेनेट के पास भाव तो बहुत अच्छे हैं लेकिन वो स्ट्रांग नहीं है, वो वीक है कुंडली के अंदर। तो स्ट्रांग कैसा होता है वो मैंने आपको बताया था कि स्ट्रांग किसी ग्रह का होना दो बातों पर डिपेंड करता है कि नंबर वन कि वो कुंडली में किन भावों के अंदर बैठा हुआ है, त्रिकोण में है, केंद्र में है, 6-8-12 में है, किस भाव में बैठा हुआ है, और दूसरी चीज़ ये कि वो ग्रह किस राशि में बैठा हुआ है, उच्च राशि में बैठा हुआ है, मूल त्रिकोण राशि में बैठा है, स्वयं राशि में बैठा है, या शत्रु राशि में बैठा है, या नीच का है, या अस्त है, इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। अब कोई मान लीजिए कोई ऐसा ग्रह है जो सपोज़ कीजिए कि आपको मैं शनि की ही बात करता हूँ, सपोज़ कीजिए। अब जैसे यहाँ पर ये कुंडली आप देखिए, तुला लग्न की कुंडली है, और तुला लग्न की कुंडली में हम शनि की बात करते हैं तो शनि के पास कौन कौन से भाव हैं, फोर्थ और ये, तो सैटर्न के पास आपके पास है चौथा हाउस और पांचवा हाउस, यानी एक त्रिकोण का है, एक केंद्र का हाउस है। तो सैटर्न इस कुंडली के लिए बहुत योगकारक है, तुला लग्न की कुंडली के लिए सैटर्न बहुत योगकारक है क्योंकि उसके पास त्रिकोण का भाव भी है, केंद्र का भाव भी है, और कोई एक ग्रह त्रिकोण का स्वामी भी हो, केंद्र का स्वामी भी हो तो बहुत योगकारक हो जाता है, अति योगकारी हो जाता है। तो इसमें शनि बहुत योगकारी ग्रह है। अब कहना मतलब यह है कि जब शनि की दशा चलेगी तो शनि आपको मकान देंगे, सुख देंगे, माता का सुख देंगे, चूँकि चौथे भाव के वो भी हैं, संतान भी देंगे आपको, आपको आर्ट या कला में जो डांसिंग स्किल्स हैं आपकी, या म्यूजिकल स्किल्स हैं आपकी, सिंगिंग स्किल्स हैं आपकी, उनको इम्प्रूव भी करेंगे। तो क्योंकि उसके कारक इसके भाव के रिजल्ट होते हैं, पाँचों भाव के स्वामी हैं। उसके साथ साथ बुध सैटर्न चूँकि अपने आप में एक अशुभ ग्रह हैं जो नैसर्गिक रूप से, तो वो अपने नेचर के हिसाब से रिजल्ट भी देंगे। नेचर क्या उनकी होती है कि वो आपको दुख भी दे सकते हैं, आपको दुख भी देंगे, आपको बीमारी भी देंगे, आपके शत्रु बना सकते हैं, आपको आपके नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि सैटर्न अति योगकारी ग्रह है, उसकी दशा चल रही है, भावों के रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं जिन भावों का स्वामी है, लेकिन उनके अपने इंडिपेंडेंट करेक्टरिस्टिक जो हैं वो भी तो आपको मिलेंगे। तो वो भी डिपेंड करता है कि कैसे आपकी करेक्टरिस्टिक मिलेगी उसके अंदर, तो वो आपको डिले कराएंगे कामों में आपके, सब कुछ शनि योगकारी होते हुए भी आपके काम में डिले कराएंगे, आप कोई काम करने जाएंगे आपका प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। तो इस तरीके से डिपेंड ग्रह के रिजल्ट जो बताया मैंने आपको दो तरीके से मिल जाते हैं, एक तो वो भावों के स्वामी के हिसाब से, नंबर टू वो किस उनके जो इंडिपेंडेंट कारक है, करेक्टरिस्टिक्स हैं उनके हिसाब से। फिर मैंने आपको बताया था कि रिजल्ट्स आपको
पॉजिटिव मिलने हैं या नेगेटिव मिलने हैं, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि दो तरीके से कि ग्रह किस राशि में पोस्टेड है और ग्रह किस भाव में पोस्टेड है। राशि का मतलब उच्च की राशि में है या मूल त्रिकोण राशि में है या मित्र राशि में है या स्वयं राशि में है या शत्रु राशि में है या नीच राशि में है, तो वो सब चीज़ मैंने आपको बताई थी कि उसके ऊपर भी डिपेंड करता है ग्रह की स्ट्रेंथ। फिर मैंने आपको बताया था कि ग्रह आपका त्रिकोण में बैठा हुआ है, अच्छा ग्रह होकर शनि यहाँ अच्छा होकर छठे हाउस में बैठ सकता है। जब छठे हाउस में बैठेगा तो जाहिर सी बात है कि अपने इन दोनों भावों के रिजल्ट्स में कमी लेकर आएगा, क्योंकि जो भी भाव जो भी ग्रह छठे आठवें बारहवें में जाता है वो अपने भावों में हानि कर लेता है। तो डिपेंड करता है कहाँ बैठा हुआ है, कि त्रिकोण में बैठा है या छः आठ बारह में बैठा हुआ है या केंद्र में बैठा हुआ है या लाभ भाव में बैठा हुआ है, वो कहाँ बैठा हुआ है। त्रिकोण में बैठा हुआ है ग्रह योग कारक भी है, त्रिकोण में भी है तो वल्ला वल्ला हो जाती है, बिल्कुल उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं होती। लेकिन ग्रह अगर योग कारक नहीं है कुंडली के अंदर और साथ में बैठ भी छः आठ बारह में गया और खुदा ना खास्ता अस्त भी हो गया तो बेड़ा गर्क हो जाता है। तो वो चीज़ भी आपको ध्यान देनी है कि ग्रह कौन सी राशि में बैठा हुआ है और किस भाव में बैठा हुआ है, उसके बेस पे यू कैन डिसाइड कि ग्रह की स्ट्रेंथ कैसी है और ग्रह फिर अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से फल देता है। अगर ग्रह की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है और ग्रह के पास नेगेटिव भाव हैं, भाव उसके पास नेगेटिव है, सपोज कि तीसरा भाव है छठा भाव है, तो ठीक बात है, आप मतलब आपको ऋण आपके ऊपर ऋण भी चढ़ेगा, आपके ऊपर आपके शत्रु भी होंगे, आपका सब कुछ होगा। लेकिन ग्रह चूंकि स्ट्रेंथ है ग्रह में, वो अच्छी भाव में बैठा हुआ है और अच्छी राशि में बैठा हुआ है, तो वो आपको जो ऋण है उसको उतारने की शक्ति भी देगा, आपको जो भी डेब्ट्स आपके ऊपर हैं उनकी ईएमआई आप पे कर पाएंगे आसानी से, आप शत्रुओं से भी आसानी से लड़ पाएंगे, शत्रुओं पर विजय कर पाएंगे, तो वो सब चीज़ भी होती है। क्योंकि ग्रह ने अपने दोनों रिजल्ट देने हैं आपको, उसने अपने भाव का रिजल्ट भी देना है चाहे वो भाव अच्छा हो या बुरा हो, और प्लस ग्रह ने अपने इंडिपेंडेंट कारक भी देने हैं। उसके अलावा ग्रह अगर स्ट्रेंथ है तो अपने इंडिपेंडेंट कारक जैसे बुध के क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट कारक बुद्धि है, विवेक है, अकाउंट्स है, मैथमेटिक्स है, वो सब आपका स्ट्रांग करेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ग्रह अपनी दिशा में कैसे फल देते हैं। नंबर वन कि जिस भावों के वो स्वामी हैं उनका फल देते हैं, और नंबर टू अपने स्वतंत्र कारकत्व जो उनके इंडिपेंडेंट करेक्टरिस्टिक हैं उसके हिसाब से वो फल देते हैं। अगर स्ट्रेंथ अच्छी है तो वो पॉजिटिव साइड में देंगे, अगर स्ट्रेंथ कमजोर है तो वो नेगेटिव साइड में देंगे। इसके बाद एक चीज और आती है इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कालपुरुषी कुंडली। वो आप जानती हैं कि मेष लग्न से स्टार्ट होती है, जैसे मैंने यहाँ ये कुंडली बना रखी कालपुरुष की, मेष लग्न कुंडली है। तो कई बार होता क्या है कि शनि आपका कुंडली के अंदर या तो योगकारी ग्रह है, मान लिया जैसे शनि यहीं पर ही देखें अगर आप, जो चौथा हाउस और पांचवा हाउस उसके पास अच्छे ग्रह, दोनों हाउस बहुत अच्छे हैं, केंद्र है, त्रिकोण का स्वामी है और बहुत अच्छा है, और उसकी दशा चल रही है। आप कहते हैं कि शनि की दशा में आपको ठीक है, मकान वकान आपको मिल तो रहा है, मकान भी मिल रहा है, आपको सुख भी मिल रहा है, वाहन सुख मिल रहा है, माता का सुख मिल रहा है, वो तो आपको है, लेकिन साथ ही साथ आपको प्रोफेशन के अंदर भी आपके तरक्की हो रही है, या साथ ही साथ आपका आपके लाभ के अंदर भी जो प्रॉफिट मार्जिन है आपका वो भी बढ़ रहा है, तो वो कैसे हो रहा है? शनि के पास तो वो वाले भाव है नहीं इस कुंडली के हिसाब से, उसके पास तो केवल चौथा और ये पांचवा भाव है। ऐसे में पिक्चर में आती है कालपुरुषी कुंडली। तो जब ग्रह रिजल्ट देते हैं तो चाहे वो पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हों चाहे वो नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हों, एक तो देते हैं अपनी भावों के हिसाब से किन भावों के वो स्वामी हैं, नंबर टू उन भावों का रिजल्ट देते हैं, और नंबर टू देते हैं उन भावों का रिजल्ट जो कालपुरुषी कुंडली में जो भाव उनके अंडर में आते हैं। तो शनि यहाँ पे चौथे भाव का रिजल्ट देगा, पांचवें का देगा, और साथ में दसवें का रिजल्ट देगा, ग्यारहवें का रिजल्ट देगा, चूंकि कालपुरुषी कुंडली में दसवां ग्यारह भाव शनि के पास आ रहा है, तो आप समझ गए होंगे। अब डिपेंड करता है कि ये रिजल्ट आपको कब मिलेंगे, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो इसके बारे में भी बृहत पाराशर होरा शास्त्र में बहुत अच्छा चीज़ लिखा हुआ है कि जो ग्रह के रिजल्ट कब मिलते हैं, आप जैसे ग्रह की दशा तो आपकी सपोज कीजिए 20 साल की है, तो आपको रिजल्ट मिले कब, लगातार 20 साल मिलेंगे या शुरू में मिल जाएंगे या आखिर में मिलेंगे, वो भी सब चीज़ें देखनी होती है। अब रिजल्ट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी है, हम मान के चलते हैं कि पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं आपको, तो पॉजिटिव रिजल्ट कब मिल रहे हैं आपको, कैसे आप लगाएं कि आपको स्टार्टिंग में मिलना है कि दशा अच्छी आ गई है स्टार्टिंग में रिजल्ट मिल जाएंगे, तो वो चीज़ भी देखने वाली होती है। तो उसके लिए बहुत सही सिस्टम बनाया हुआ है इन्होंने, होरा शास्त्रा में उन्होंने कहा है पाराशर जी, ऋषि पाराशर जी ने, कि जो ग्रह पहले दृष्टिकोण में होते हैं 0 से 10 डिग्री के बीच होते हैं, जो ग्रह 0 से 10 डिग्री के बीच होते हैं फर्स्ट दृष्टिकोण, फर्स्ट
डीके, डीके मीन्स रिस्क ऑन मीन्स 30 डिग्री के हम तीन डिवाइड पार्ट करते हैं तो 10 डिग्री का एक पार्ट आता है, इसे दृष्टिकोण बोलते हैं। तो जो ग्रह फर्स्ट डीके में होते हैं, दृष्टिकोण में होते हैं, 0 से 10 डिग्री के बीच में, वो दशा के आरंभ में फल देते हैं, स्टार्टिंग में, वो स्टार्टिंग में फल देते हैं जैसी दशा स्टार्ट हुई। जो ग्रह 10 से 20 डिग्री के बीच में होते हैं, सेकंड दृष्टिकोण में होते हैं, सेकंड डीके में, वो दशा के मिड में फल देते हैं। जो ग्रह आपके थर्ड दृष्टिकोण में होते हैं वो आपके 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में, वो रिजल्ट देते हैं आपके लास्ट में, लास्ट टाइम में, ऐसे करके देते हैं। मतलब आपने ये देखना है कि अगर आपकी बुध की दशा चल रही है या आपकी शुक्र की दशा है और शुक्र की दशा में आपको फल कब मिलेंगे, और शुक्र आपकी कुंडली में 0 से 10 डिग्री के बीच में बैठा हुआ है, आपकी जो D1 चार्ट है, लग्न कुंडली है, तो साहिर सी बात है कि शुक्र की दशा जैसे ही स्टार्ट होगी आपको फल मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर शुक्र आपकी कुंडली में 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में बैठा हुआ है, 22 का है, 25 का है, 29 का है, 30 का है, तो जाहिर सी बात है कि आपको दशा के लास्ट में रिजल्ट मिलेंगे। तो ये लास्ट और शुरू कैसे लगाएं, मतलब आप सिंपल कर सकते हैं कि जैसे ये तीन पार्ट हैं इसके, 1, 2, 3, आप सिंपल कहिए, जैसे मान लीजिए शुक्र की, वीनस की आपकी 20 साल की दशा होती है, तो इस 20 को 3 से डिवाइड कर लीजिए तो ये कुछ 6 साल कुछ महीने आ जाएगा, बस 6 ईयर एंड सम मंथ्स ये आपकी आ जाएगा। हम मान लेते हैं कि 6 साल एक पार्ट आ गया आपका। तो कहने का मतलब यह है कि जब 0 से 10 डिग्री के बीच में शुक्र आपकी जन्म कुंडली में होगा तो आपके शुरू के 6 साल में आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। इस डिग्री में होगा 10 से 20 में तो आपको बीच वाले 6 साल यानी कि 6 से 12 साल के बीच में फल मिलेंगे, जब 6 से खत्म होंगे और 12 तक चलेगा, और लास्ट वाला फिर लास्ट के फल आपको मिलेंगे। तो ये इसका फल मिलने का तरीका है। अब इसी में एक थोड़ा सा चेंज है जो कहा है कि अगर ग्रह मान लिया आपका वक्री हो, रेट्रोग्रेड हो, ग्रह आपका वक्री हो, आपका गोई ग्रह कुंडली में रेट्रोग्रेड बैठा हुआ है, सपोज कीजिए कि आपके कुंडली के अंदर, मैं ही बता देता हूँ, जैसे सपोज कीजिए कि हाँ मंगल आपका ये रेट्रोग्रेड है, वक्री बैठा हुआ है, तो अब मंगल के रिजल्ट आपको कैसे मिलेंगे, और मंगल कुंडली में आपका मान लीजिए 9 डिग्री का है, तो मंगल इसमें क्या होता है, इसमें रिजल्ट उल्टे हो जाते हैं। यानी वक्री ग्रह में जो इस 20 से 30 डिग्री के बीच में होगा उसको स्टार्टिंग में रिजल्ट मिल जाएंगे, जो 10 से 20 में होगा उसको मिड में मिलेंगे, और 0 से 10 वाले को लास्ट में मिलेंगे। तो यहां मंगल के रिजल्ट जो है लास्ट में मिलेंगे, बिकॉज ये 0 से 10 के बीच में आता है। तो रिट्रोग्रेड होने पे रिजल्ट उल्टा हो जाता है, रिट्रोग्रेड ना हो तो 0 से 10 के बीच में स्टार्टिंग में, 10 से 20 के बीच में मिड में, और बाद में लास्ट में। तो आपको ये भी देखना जरूरी है कि कुंडली में आपके ग्रह कितने डिग्री का है और वो रिट्रोग्रेड है या नहीं। अगर वो डायरेक्ट है, मार्गी है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो आप सीधा ही वाला फंडा लगाएंगे कि पहले दृष्टिकोण में 0-10 के बीच में मिलेगा, और अगर वो वक्री है तो फिर आपको ये वाला फंडा उसमें लगाना पड़ेगा कि ऐसे मिलेगा। तो ये तो हुआ आपका इनके कैसे ये रिजल्ट इनके मिल जाते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये आपको मैं इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ अभी कि सबसे पहले आप कभी भी कुंडली जब देखना शुरू करें तो आप दशा के बारे में स्टडी करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर ग्रह की, तो आप सबसे पहले तो ये देखिए कि वो जो ग्रह है जिसकी दशा के बारे में आप स्टडी करना चाहते हैं वो कुंडली में योगकारी है या नहीं, वो देख लिया आपने। अब उसके बाद आपने ग्रह की स्ट्रेंथ को देखना है कि ग्रह की स्ट्रेंथ कैसी है, ग्रह त्रिकोण में बैठा हुआ है, केंद्र में बैठा हुआ है, कहाँ बैठा है, 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, उसके ऊपर स्ट्रेंथ डिसाइड होगी। प्लस फिर आपने देखना है ग्रह की स्ट्रेंथ कैसी है, कि किस राशि में बैठा हुआ है, उच्च राशि में है, नीच राशि में है, किस राशि में, वो आप देखना पड़ेगा। तो उससे आप डिसाइड करेंगे ग्रह की स्ट्रेंथ कैसी है। ग्रहों के पास स्वामित्व है गलत भावों का, 6, 8, 12 का है या 3, 6 का स्वामित्व है, लेकिन ग्रह बहुत स्ट्रांग है तो जाहिर सी बात है कि वो बुरे रिजल्ट तो देगा, वो 3, 6 भाव के रिजल्ट तो उसने देगा ही देगा, रोग रिजल्ट तो तुम्हें देगा ही देगा, लेकिन उनसे लड़ने की शक्ति भी देगा क्योंकि स्ट्रांग हो गया है ग्रह। उसके साथ साथ ग्रह जो होते हैं, एक तो भावों का फल देते हैं, दूसरा फल देते हैं वो अपने इंडिपेंडेंट करेक्टरिस्टिक का। अगर ग्रह स्ट्रांग है तो ठीक है, 3, 6 के रिजल्ट आपको मिल रहे हैं 3, 6 भाव के, लेकिन साथ ही साथ आपको गुरु की दशा अगर चल रही है तो आपको धन भी मिल रहा है, आपको वैभव मिल रहा है, आपको ज्ञान मिल रहा है, आप धार्मिक भी होते जा रहे हैं,
आपको वाहन मिल रहा है, मकान मिल रहा है, सब सुख मिलेंगे आपको, संतान सुख मिलेगा आपको, तो वो भी आपको मिलेगा क्योंकि ग्रह स्ट्रांग है कुंडली में, तो इसलिए उनके जो इंडिपेंडेंट करेक्टरिस्टिक है वो भी स्ट्रांग हो जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि ग्रह ने दो तरह के रिजल्ट दिए, एक तो जिन भावों का स्वामी है उसके रिजल्ट, दूसरा जो इंडिपेंडेंट करेक्टरिस्टिक है उसके रिजल्ट। तीसरा रिजल्ट जो मिलेगा आपको किसी भी ग्रह की दशा में, वो आपने देखना है काल पुरुष की कुंडली के अंदर वो किन भावों का स्वामी है, जिन भावों का वो स्वामी है काल पुरुष की कुंडली में उसके रिजल्ट भी उसकी दशा में मिलेंगे। आप सोचेंगे कि ये रिजल्ट कहाँ से आ गए, जैसे मैंने आपको बताया शनि का कि चार और पाँच का स्वामी है, जो फोर्थ हाउस का फिफ्थ हाउस का, तो इनके रिजल्ट तो देगा ही देगा शनि दशा में, लेकिन साथ में दसवें भाव का प्रोफेशन वाले का लाभ भाव का रिजल्ट भी वो आपको दे सकता है क्योंकि उसके पास काल पुरुष की कुंडली में दसवां और ग्यारहवां भाव भी है। फिर इस पर डिपेंड, इसमें देखना होता है कि कुंडली में वो ग्रह आपकी कितनी डिग्री के ऊपर है एंड उसके बेस पे आपका डिसाइड होगा कि अगर फर्स्ट रेट कौन में है तो स्टार्टिंग में रिजल्ट मिलेंगे, मिड में है या लास्ट में रिजल्ट मिलेंगे। तो जो भी ग्रह की महादशा हो या अंतरदशा हो, कुछ भी हो, आप उसको तीन भागों में डिवाइड कर लीजिए, इस डिग्री के बीच में है तो स्टार्टिंग में, इस डिग्री के बीच में है तो मिड में, इस डिग्री के बीच में तो लास्ट में, और वक्री हो तो उसको उल्टा कर लीजिए। तो आशा करता हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा, समझ में आया हो तो काइंडली सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी मैं इसके आगे आपको दशा के और बहुत सारे नियम बताऊंगा जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट फार्मूलेज हैं कि कैसे हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि दशा हमारी कैसी जाएगी, उसके बहुत सारे फार्मूलेज भी हैं। आप ये मत सोचिए कि शनि आपका किसी कुंडली में 6, 8, 12 या 8वें या 9वें का स्वामी है या ऐसे भाव का स्वामी है, अच्छा नहीं है, जो 7वें 8वें भाव का स्वामी है, तो उसके बावजूद भी दशा में कुछ चीज़ें हो सकती हैं। वो डिपेंड करता है कि कैसे होगा ग्रह की दशा, अंतरदशा, सहधर्मी ग्रह है या आपका कैसा ग्रह है, संबंध कैसे हैं आपके और आपका दशा फल कैसा है, वो सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। वो आगे आपको मैं फार्मूलेस बताऊंगा सारे। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो काइंडली सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपके सब्सक्राइब करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। जय श्री कृष्ण, नमस्कार।